तोड़ देंगे, नहीं तो किसी का नहीं सुन रहे हैं, सीधा तोड़ दे रहे हैं। कांग्रेस शासन में 5 सालों में किसी भी प्रकार की कोई बस्ती को तोड़ा नहीं गया है, लेकिन अगर बुलडोजर बाबा के नाम पे बनने के लिए या फेमस होने के लिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो उनसे एक अनुरोध है कि वो गरीबों के साथ ऐसा ना करें। जैसे हर जगह बना के दिए हैं दुकान छोटी छोटी, वैसे हमको भी बना के दे दें तो हमारा जीवन यापन हो जाए। रायपुर के नगर दसो जोन में लगातार अवैध दुकानों और अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है नगर निगम द्वारा। जो सड़क किनारे जितने दुकानें थी, चाहे वो चाय की दुकान हो या समोसे बेचने वाले हो, सभी दुकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। चौथे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी है। और जो उद्योग भवन सिग्नल के पास हम मौजूद हैं, यहाँ भी जो सड़कों पर चाय की दुकानें और तमाम तरीके की छोटी मोटी दुकानें जो संचालित कर रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है और उनको उनकी जो है दुकानें जो है वहां से हटवाई जा रही है। यहाँ एक भाई मौजूद है जो दुकान लगाते हैं, क्या क्या है भाई साहब? बड़े भाई है नहीं बताइए। दुकानें को हटाने के लिए बोला गया है भैया, अभी तो फिलहाल नगर निगम का खौफ ऐसा है कि हम लोग उनके आने से पहले ही अपना व्यवस्था जमा ले रहे हैं। कहाँ लगाएंगे दुकान? अब देखेंगे, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है लगाने का कहीं पर। अच्छा, नोटिस दिए हैं, बोल के गए आज सुबह भी कि हटा लो करके। अच्छा हाँ, बोल के गए तोड़ देंगे वरना। हाँ तोड़ देंगे, नहीं तो किसी का नहीं सुन रहे हैं, सीधा तोड़ दे रहे हैं। क्या करें भैया, अब 5-4 साल से बैठे हुए हैं और बस हटाओ, तुरंत हटाओ। और इधर आओ ना, इधर खड़े हो ना, इधर सामने इधर आओ। तुरंत नहीं हटाएंगे तो सीधा जेसीबी चला रहे हैं। अच्छा, आपका भी दुकान था? हाँ, हमारा भी दुकान था सर वहाँ पर। अच्छा, क्या है, ऐसा करना चाहिए, सही हो रहा है सर? अब सरकार ये तो मतलब गरीबों को मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, तो गरीबों को मतलब और वो गरीब कर रहे हैं सर। हम तो रोज कमाने रोज खाने वाले हैं सर, दुकान से हमारा घर चल रहा है। बीजेपी का आना सही हुआ या गलत? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टार्ट किया है ये, बीजेपी का आना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टार्ट किया है वो सही नहीं है। तो और जैसे आप लोगों को दूसरे जगह देने की बात कही गई है क्या? हम तो बोलते हैं यहीं पे हम लोगों को छोटी छोटी नगर निगम की दुकानें बना के दे दे, जो चार्जेस उनका बनता है वो हमसे ले ले, हम देने के लिए भी एग्री है, भुगतान करने को तैयार है। बस जैसे हर जगह बना के दिए हैं दुकान छोटी छोटी, वैसे हमको भी बना के दे दे तो हमारा जीवन यापन हो जाए। क्या लगता है, जो सड़क किनारे जो जितने भी दुकानें हटवाई जा रही है, आप लोग की कोई व्यवस्था है कहीं? नहीं, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं, बस यहीं से तो जी खा रहे हैं। 5-6 साल से हम यहीं दुकान लगा रहे हैं सर, लाइन मार से 4-5 साल से दुकान लग रही है सर सबकी, और यहीं से हमारा घर चल रहा है। आप बताइए, दुकान हट जाएगा भैया? गरीब आदमी, रोज कमाने रोज खाने वाले, हम तो रोड में आ जाएंगे, भूख मर जाएंगे। वैसे अचानक क्यों नगर निगम इतना जो है एक्टिव हो गया होगा? अचानक हो रहा है, उनकी समस्या अचानक कर रहे हैं वो। पहले हमको आके इतला देना चाहिए, हटाओ हटाओ ऐसा कर रहे, कोई इतला ही नहीं दी अभी तक का कोई हमारा। भैया देखिए, जब तक कांग्रेस शासन थी, जब तक के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई भी ठेला घुमटी किसी भी गरीब इंसान को परेशान नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही हमारे बीजेपी की सरकार चुनते हैं हम लोग, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, अभी शपथ भी नहीं ली गई है, और उसके बाद नगर निगम की इतनी बड़ी कार्रवाई होना, मतलब कलेक्टर को आदेश देना, एडीएम एसडीएम को आदेश देना, मतलब ये कहीं ना कहीं मंत्री जो बनने वाले हैं या जो शासन में बैठने वाले हैं वो लोग कलेक्टर को आदेश कर रहे हैं, नहीं तो कलेक्टर जो कलेक्टर अभी है वो कलेक्टर पहले भी था, लेकिन वो कलेक्टर पहले उसको नहीं दिख रहा था कि इस तरीके का हमको करना है। कलेक्टर महोदय को आदेश मिला है ऊपर से, जब भी वो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई करने का मतलब साफ है कि गरीबों को हटाया जाए और रोड से बिल्कुल उनको खाली कर दिया जाए। जैसे कि 15 साल पहले बीजेपी ने गरीब बस्तियों को बहुत ज़्यादा तोड़ा था। अच्छा, कांग्रेस शासन में 5 सालों में किसी भी प्रकार की कोई बस्ती को तोड़ा नहीं गया है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई बस्ती उजाड़ी नहीं गई है, लेकिन बीजेपी शासन जब आती है तो वो मॉडल सिटी स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को तोड़ते हैं। जैसे राजकुमार कॉलेज के पास देखो आप, 100 ठेले से ज़्यादा उन्होंने उखाड़ दिए। आज राजेंद्र नगर देख लो, तेली बांधा देख लो, जहाँ पर भी जाएंगे आप सबको तोड़ा जा रहा है। 3-4 दिन हुआ सरकार आए हुए, जितना 5-6 दिन में इन लोगों ने पूरा अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। अब मेरा मानना यह है, जो जो परिवार रोजगार यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो
लोग अगर यहाँ से 500-1000 रुपए अगर कमाते तो उनका घर चलता है। अगर इनका ठेला हटा दिया जाएगा, अगर एक महीना उनका ठेला कहीं नहीं लगेगा तो उनके घर में भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। तो क्या बीजेपी सरकार उनको खाने के लिए राशन देगी या पैसा देगी? उनकी व्यवस्था बनानी चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि महीना दो महीने का हम आपको समय दे रहे हैं, आप अपनी कहीं पर व्यवस्था बनाइए, दुकान बनाइए और तब उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो सत्ता में तो आई है बीजेपी, अभी उनका वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। अब इसमें कांग्रेस का हाथ है कि बीजेपी का हाथ है ये कंफर्म हो नहीं पा रहा। नहीं, देखिए कांग्रेस तो अभी बाहर ही है, जो मंत्री बनने वाले हैं या जो विधायक हैं ना, शपथ बस रह गया तो उनका जो पावर है वो अपना पावर का यूटिलाइज कलेक्टर को आदेश कर रहे हैं उन्हीं लोग। अच्छा, कलेक्टर को आदेश, तो बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भैया हम लोगों की व्यवस्था करें, या तो छोटी छोटी जैसे बाकी जगहों पे दुकानें नगर निगम की दुकानें बना के दी हैं छोटी छोटी, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे बना के दे दे, जो चार्जेस बनता है, जो टैक्स बनता है वो हम भरने के लिए तैयार है। बताइए भैया, दुकान आपका भी हटाया गया है यहाँ? बिल्कुल सर, हमारा भी हटाया गया है यहाँ पर, हमारा 30-32 साल हो गया यहाँ यही चौक पे। वही आएगा। हाँ जी, इनका परिवार वहीं से चलता है ना। क्या है, इनके पापा करते थे, आज पापा के ध्यान के बाद ये अपने स्टैंडों का परिवार घर को चला रहे हैं किसी दुकान के नाम। आगे क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। तो आप लोग मांग कर रहे हैं नगर निगम से या कहीं आवेदन दिए कि जी कहीं कोई सुनवाई होगी? सुनवाई नहीं हो रहा, हमको बोल रहे हैं कहाँ मांगे, कम से कम ठेला बनवा के जगह बनवा के दे दो हमको। कब से बोल रहे हैं, जब भी हटाने से यही मांग करते हैं भाई, शासन को भुगतान देने को तैयार है। अभी जैसे कि देखा जा रहा है, हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय मंत्री जी अगर वो बनते हैं, उनको बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस किया जा रहा है। मार्केट में जैसे प्रचार कर रहे हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से हमारे माननीय मंत्री जी को फेमस किया जा रहा है। तो हमारा बृजमोहन जी से भी कहना है और मंत्रियों से जी से भी कहना है कि जैसे 15 साल में उनकी छवि रही है, पहले उन्होंने इस तरीके का गरीबों के साथ तो अन्याय नहीं हुआ, लेकिन अगर बुलडोजर बाबा के नाम पे बनने के लिए या फेमस होने के लिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो उनसे एक अनुरोध है कि वो गरीबों के साथ ऐसा ना करें, जैसे वो पहले से रहे एक अच्छे मंत्री के रूप में, उन्होंने 15 साल शासन किया है, वैसे ही करें और गरीबों के हित में काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बताइए भाई, आपका भी दुकान है यहाँ पे दोस्त? मेरा उधर है, मोटरसाइकिल का है। अच्छा, मेरी भी दुकान हटाई गई है। आपकी भी हटाई गई है? क्या लगता है, ये सही है कि क्या है? ये तो बिल्कुल गलत है, बस इतने कहना चाहूँगा, पूरा गलत है ये। तो कहाँ तक सही है बताओ? हम लोग क्या है, बीजेपी सरकार सुने 15 साल तक अच्छी मतलब वो करे, गरीबों का मतलब ख्याल रखे, ध्यान रखे, जो हर चीज़ करे वैसे ही फिर करे तो अच्छी बात है सर, लेकिन अभी शपथ ग्रहण हुआ ही नहीं और ये एक्शन हो रहा है तो फिर अच्छी बात नहीं है। जैसा पहले रखे ध्यान, वैसे गरीबों का ध्यान रखे, वही अच्छा होगा। पर इनका कहना है कि यह पूरी तरह से गलत है और जो जो लगातार 10-15 साल से यहाँ पर दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने अब चुनौतियाँ आकर खड़ी हो गई हैं कि वो अपने दो वक्त की रोटी कहाँ से निकालेंगे, और जो नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है उसका परिणाम कहीं ना कहीं गरीब और आम जनता को भुगतना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ नगर निगम या सरकारें करती हैं, या फिर इसी तरह ये जो है निराश्रित होकर भटकते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर छत्तीसगढ़।